देख सकते हो ये रहा मुख्य गेट जतमई माता मंदिर का, हमार दाई जतमई। ये देखे भाई उधर पूरा तालाब जैसा बना दिए भाई, जय भोलेनाथ, देख सकते हो भाई। तो देख सकते हो भाई अभी मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूँ उस हनुमान जी की विशाल गए प्रतिमा के बिल्कुल सामने ही। दोस्तों यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते, आदि शक्ति माता जतमई जी का यहाँ पे श्री राम दरबार है। यहाँ से आप कंप्लीट व्यू देख सकते हो मंदिर का, इतना मस्त पानी चल रहा है ना सीढ़ी में, लवली गुफा बना हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है प्रवेश द्वार। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो पर। दोस्तों अभी हम लोग घटा रानी से चलकर पहुंच चुके हैं जतमई, और देख सकते हो मेरे पीछे जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा पार्किंग वगैरह है, तो पार्किंग पे यहाँ पे अभी गाड़ी वाड़ी पार्क की है, और अभी जाएंगे यार कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, बहुत भूख लग रहा है, और नाश्ता वास्ता करने के बाद दोस्तों फिर चलेंगे मंदिर के अंदर और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे पार्किंग में अपन लोग गाड़ी वगैरह पार्क कर दिए, और ये देख सकते हो 10 रुपये का जो टिकट है टू व्हीलर के लिए, और 20 रुपये है दोस्तों फोर व्हीलर के लिए। बाकी फिर देख सकते हो बाहर कुछ ऐसा ही नज़ारा, फर्स्ट व्यू जो जतमई माता मंदिर का जो एरिया है वहाँ का। तो देख सकते हो भाई इधर पूरा प्रसाद वगैरह का और होटल वगैरह बना हुआ है, तो चलिए चलते हैं एक आध होटल वगैरह में और नाश्ता वगैरह करते हैं यार, सुबह से निकले हैं भूख लग रहा है, तो नाश्ता वगैरह करते हैं उसके बाद फिर चलेंगे माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो ये आ चुका है भाई अपन लोगों का गर्मा गर्म पूरी और ये चना सब्जी, यहीं पे पास में होटल था अपन यहाँ आ गए, तो चलिए जल्दी से पहले यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद फिर चलेंगे अंदर और दर्शन करेंगे जतमई मैया का। तो फिर चलिए आप लोगों को ये फिनिश करने के बाद मिलता हूँ। तो भाई अभी हम लोगों का जो नाश्ता है वो हो चुका है कंप्लीट, बहुत ही यहाँ पे मस्त गरम गरम पूड़ी छोले निकल रहा था, तो यहाँ पे खा लिए, 30-30 रुपये प्लेट लगा, तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा खा के सुबह से निकले थे, काफ़ी भूख लग रहा था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर और स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर करना जतमई मैया के पावन धाम को। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे आप लोगों को जो मेन गेट है मंदिर का वो दिखलाई दे रहा होगा, हमार दाई जतमई, तो जय हो जतमई मैया की। और चलिए फिर चलते हैं अपन लोग अंदर, और देख सकते हो भाई यहाँ पे मस्त सीध और बना हुआ है, जैसे जो घटा रानी माता का मंदिर है वहाँ बना हुआ था, लेकिन ये काफ़ी फेमस है यार, आप लोगों ने किसी न किसी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। तो देख सकते हो ये रहा मुख्य गेट जतमई माता मंदिर का, चलिए चलते हैं अंदर, और देख सकते हो इधर पुलिस सहायता केंद्र वगैरह बना हुआ है, और ये अपन सिंह के मुख के अंदर चले गए, देख सकते हो यहाँ भी नीचे जाना पड़ेगा सीढ़ी से। यहाँ से दोस्तों जो मंदिर है वो दिखना स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हो आप, ये रहा जतमई माता का मंदिर और वाटरफॉल भी दिख रहा है। चलिए इधर से नीचे चलते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ भी दोस्तों अपन लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर में पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है वो वाटरफॉल की ओर आप लोगों को लेके चलूँगा, और उसके बाद फिर और भी जो एक्स्ट्रा जगह यहाँ पे होगा एक्सप्लोर करने के लिए अपन वहाँ चलेंगे। मस्त लग रहा है यार, यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है, संडे के दिन है तो अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल रहा है, और मेरे को बिल्कुल पता है यहाँ भी बहुत लोग नहा रहे होंगे, और मैं यहाँ यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे जस्ट पहले जो है वो मैं घटा रानी मंदिर में था दोस्तों, तो वहाँ का वीडियो बना हूँ तो डायरेक्ट वहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, वैसे टाइप से हो रहा है। बाकी देख सकते हो आप लोग ये है, मस्त लग रहा है, ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे नंदी जी का दर्शन हो रहा है, मतलब ये शिव मंदिर है, देख सकते हो आप, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग, जय भोलेनाथ, देख सकते हो भाई मस्त लग रहा है ना। तो यहाँ पे भाई भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं, जय नंदी महाराज, और फिर चलते हैं इधर आगे, दिखलाता हूँ आप लोगों को यहाँ से वाटरफॉल, ये देखिए भाई उधर पूरा तालाब जैसा बना दिए भाई, और ये देख सकते हो इधर से आ रही है पूरी नदी, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल बना रहा है यार, पानी यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है जो घटा रानी है वहाँ की अपेक्षा, लेकिन देख सकते हो मस्त लग रहा है ना यहाँ से मंदिर का भी नज़ारा, और ऐसे घूम के भी अपन लोग जाएंगे यहाँ मंदिर में, मेरे ख्याल से ये वाला जो है वो मुख्य मंदिर है। बाकी आवाज़ पता नहीं कितना आ रहा है क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शोर हो रहा है पानी का। ये मगरमच्छ बना हुआ है देख सकते हो। चलिए चलते उधर से घूम के आते फिर वहाँ से और इन्जॉय करेंगे। तो पहुँच चुके भाई वो ब्रिज पे जो हम लोगों को मंदिर की ओर लेके जाने वाली है। और इधर भी बहुत लोग नहा रहे देख सकते हो आप। और वहाँ पे एक हनुमान जी का जो है वो विशाल का जो है प्रतिमा बना हुआ है, जैसे घटरानी माता के मंदिर में शंकर भगवान का प्रतिमा था ना, वैसे ही यहाँ देख सकते हो हनुमान जी का बना हुआ है। जूम करके दिखलाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त लग रहा है ना, चुनरी वगैरह मस्त बंधा हुआ है भाई। क्या बताऊँ यार, इतना मन कर रहा है ना नहाने का सभी लोगों को देख देख के। इतने सारे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, तो कम लोग नहा रहे हैं बट पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग नहा रहे हैं भाई। जब बारिश अपने चरम पे रहता है तो ये पूरा पानी से जलमग्न रहता है, मैंने देखा भाई काफ़ी सारे वीडियोस में पूरा इसमें पानी पानी रहता है। और इधर तो देख सकते हो भाई अभी मैं बिल्कुल पहुँच चुका हूँ उस हनुमान जी की विशाल गए प्रतिमा के बिल्कुल सामने ही। काफ़ी बड़ा है यार, वीडियो में पता नहीं आप लोगों को मालूम हो रहा होगा कि नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा है। और ये देख सकते हो हनुमान जी का गदा भी यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत मस्त लग रहा है भाई। राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बैठाए हुए, और उनके यहाँ से साइड से देख सकते हो दोस्तों नदी पूरा नीचे जा रही है और इधर आगे वाटरफॉल बना रहे भाई, मस्त लग रहा है यार। थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं और पैर छू लेते हैं हनुमान जी का, लेकिन इधर तो इधर बैरिकेड वगैरह लगा दिए हैं, फिर भी यहीं से भाई जय हनुमान। बहुत बड़ा भाई, तो यहाँ पे हो जाता है भाई अपन लोगों का हनुमान जी का जो दर्शन है वो कंप्लीट। घटारानी और जतमई दोनों का दोनों जो मंदिर है दोस्तों वो गरियाबंद जिले में पड़ता है, और राजिम से जो मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप डायरेक्ट रायपुर से आते हैं तो जो जतमई का मंदिर है वो 87 किलोमीटर पड़ता है। सेम है, दोनों मंदिर के बीच में 7 किलोमीटर का डिफरेंस है, बीच से एक कच्चा रास्ता जाता है, तो उधर से आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। मैप से आसानी से आप कोई भी मंदिर में एक में पहुँच जाइए, तो किसी से भी रास्ता पूछ कर आप एक मंदिर से दूसरे मंदिर भी आसानी से आ सकते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों हनुमान जी की प्रतिमा का दर्शन करके आने के बाद अब चलिए चलते इधर नीचे की ओर। अभी थोड़ा सा भीड़ जो है वो कम हो गया है, और यहाँ पे काफ़ी सारा मंदिर वगैरह बना है यार, और देख सकते हो कितना खूबसूरत यहाँ पे जो है वो एंट्री गेट बनाया गया है। और आप देख सकते हो पिलर वगैरह पे जो डिज़ाइन किया गया भाई वो भी मस्त लग रहा है। और ये शायद इस मंदिर का परिक्रमा मार्ग है, और देख सकते हो यहाँ पे गद्दी वाली बड़ी माँ यानी कि दुर्गा माता जी का यहाँ पे देख सकते हो भाई मंदिर है, तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो। जय माता जी, मस्त लग रहा है भाई मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारा मंदिर वगैरह बना दिया, पहले केवल एक ही मंदिर था यहाँ पे जतमई माता का जो कि इधर नीचे है, और इधर देख सकते हो सिंह द्वार है, ये मस्त लग रहा है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे श्री राम दरबार है, जय श्री राम, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो भाई श्री राम हनुमान जी और सीता मैया का, मस्त लग रहा है भाई। पता नहीं यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो नरसिंह नाथ जी की जो है वो प्रतिमा रखी गई है, जय नरसिंह नाथ, बहुत मस्त लग रहा है भाई। तो और इधर आप लोगों को दिखलाता हूँ वाटरफॉल, देख सकते हो यहाँ पे है वाटरफॉल। पता नहीं यहाँ पे तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है इसका, आप लोगों को जो है वो आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट आप देख सकते हो भाई ये है। और यहाँ पे भी एक मंदिर है भाई, जब इससे पहले आया था यार तो बारिश बहुत तेज़ था, तो ये जो आप लोगों को सीढ़ी दिखलाई दे रही है ना जिसमें लोग चढ़ रहे हैं, इसमें पूरा पानी जाता था भाई, पूरा ऐसे पकड़ पकड़ के नीचे जाते थे हम लोग, मस्त। अभी पानी काफ़ी कम है इस वजह से देख सकते हो ये सीढ़ी खाली है, बट इसमें से भी पूरा जो है दोस्तों पानी जाते रहता था। और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो भाई एक और माता जी का यहाँ पे मंदिर है, जय माता।
तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर में जो जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे दर्शन करने के बाद अब चलिए चलते हैं अपन नीचे की ओर। यहाँ पे जो है मुख्य मंदिर है जपमई माता का, और ये वाला वो सीढ़ी है भाई जो पूरा जलमग्न रहता था लेकिन अभी बारिश हो चुके हैं। और इधर से साइड से आप लोगों को दिखलाऊं तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा शिव जी का मंदिर, कितना मस्त लग रहा है यार, क्या बताऊँ। और ये वाला जो आप लोग देख सकते हो जो ये वाला जो लाइन है ना ये लगी हुई है मुख्य मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि ये है दोस्तों जपमई माता मंदिर का जो है वो गर्भगृह। ये जो सकते हो जो भी पहाड़ दिख रहा होगा आप लोगों को उसके नीचे है, तो ये वाला लाइन से हम लोग भी जाएंगे अभी और दर्शन करेंगे। चलिए दिखलाता हूँ आप लोगों को। और इधर देख सकते हो भाई कितना मस्त लग रहा है यार, सब लोग नहा रहे भाई, आप ही मन करता है यार ये सबको देखता हूँ तो नहाने का मेरा भी। यहाँ पे भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, चलिए चलते हैं आगे। देख सकते हो मस्त यहाँ पे पानी में मस्त पैर भिगा के आगे जानेंगे। और देख सकते हो भाई ये रहा जपमई माता का मुख्य द्वार। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हो आदि शक्ति माता जपमई जी का। देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है यार। और इधर देख सकते हो नीचे से भी इधर पानी वगैरह आ रहा है पहाड़ों के नीचे, यहाँ पे माता जी विराजमान है। देख सकते हो जय हो जय माता जपमई। प्रसाद ले लेते हैं यहाँ पे। और देख सकते हो भाई यहाँ पे एक नज़ारा, यहाँ पे भी एक छोटा सा वाटरफॉल बन रहा है देख सकते हो ऐसे, फिर यहाँ से जो है पानी ऐसे नीचे जा रहा है और यहाँ पर ऐसे फिर एक बड़ा वाला जो वाटरफॉल वो बना रहे हैं, और इधर पूरा तालाब टाइप से बना दिए देख सकते हो। तो ये था भाई माता जपमई का मुख्य मंदिर। अब चलते हैं अपन इधर नीचे की ओर। यह रास्ता पूरा पानी पानी वाला जो सीढ़ी है उधर से हम लोगों को होके नीचे जाना पड़ेगा, और आप चाहो तो ऐसे वापस इस रास्ते से भी जा सकते हो, बाकी देख सकते हो यार। इधर मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चलिए चलते हैं इधर नीचे जो नहाने के लिए जगह बनाया गया उधर। और ये आप देख सकते हो भाई कितना मस्त पानी चल रहा है ना सीढ़ी में, आवाज़ बहुत तेज़ है यार पानी का, पता नहीं मेरा आवाज़ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। बाकी ये आप देख सकते हो भाई कितना सुंदर लग रहा है, लवली। आप लोगों को यहाँ से कितना मस्त लग रहा है भाई, कितना मज़ा ही आ जाएगा यहाँ नहाने में। तो देख सकते हो भाई अभी अपन लोग वहाँ पे ऊपर मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद आ चुके हैं नीचे, जो आप लोगों को वहाँ ऊपर से दिखला रहा था ये वाले रास्ते से आए हैं। और देख सकते हो यार कितना सुंदर है भाई यहाँ पे नहाने के लिए, मस्त तालाब जैसा बना दिया है, काफ़ी गहरा यार, लगभग 7 फीट के आसपास ये गहरा है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो भाई नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, मस्त। अंकल लोग तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे ऊपर में थे और अभी यहाँ पे नीचे पे नहा रहे हैं। और फिर देख सकते हो ये आगे पानी पूरा जंगल की ओर बह जा रहा है, तो देख सकते हो भाई मस्त लग रहा है ना। ये लोग अंकल लोग जो है वो तैरने का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये नज़ारा।
तो यहाँ पे भाई नीचे में थोड़ा देर इंजॉय करने के बाद चलिए अब चलते हैं वापस ऊपर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, वापस भी हम लोगों को जाना है यहाँ से। तो चलिए सीधा आप लोगों से मैं ऊपर ही मिलता हूँ। तो देख सकते हो आप लोग ये वाला जो वाटरफॉल बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, पता नहीं मस्त लग रहा है। देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर लग रहा है। ये जो है वो मुख्य मंदिर है माता रानी का, देख सकते हो मेन गेट है, और यहाँ से वाले रास्ते से हम लोग नीचे आए थे, और देख सकते हो यहाँ पे लग रहा है मंदिर। मौसम भी बहुत खुशनुमा हो रखा है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, देख सकते हो भाई ऐसे पकड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिसलन है यार। तो भाई ये आप लोग को जो मंदिर दिख रहे हैं ना, इस मंदिर के ठीक सामने ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक गुफा बना हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है प्रवेश द्वार, काली माता जी का मंदिर है अंदर में। तो चलिए चलते हैं अंदर, जय हो जय माता काली। और झुक के अंदर जाना पड़ रहा है यार, देख सकते हो आप आगे अंदर में, देख सकते हो यहाँ पे माता रानी की जो है प्रतिमाएँ रखी हुई है। जय काली मैया, जय माता दी। पूरा पहाड़ के अंदर में है यार, इधर से बाहर जाने का रास्ता, चलिए लेके चलता हूँ आप लोगों को। काफी छोटा रास्ता है, आगे भाई बाहर द्वार, छोटा सा था गुफा लेकिन काफ़ी मस्त है। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। देख सकते हो अभी शाम के लगभग 3:30 से 4 के करीब हो रहे हैं, फिर भी काफ़ी सारे जो सैलानी हैं, श्रद्धालु हैं, जो भी बोल सकते हो आप, वो सभी अभी भी आ ही रहे हैं। और इधर देख सकते हो छोटे छोटे ऐसे काफ़ी सारे मंदिर वगैरह यहाँ पे बनाई गई है यार। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा जो है वो व्यू आता है। तो देख सकते हो भाई अभी अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से आप कंप्लीट व्यू देख सकते हो मंदिर का, वाटरफॉल का, और यहाँ पे देख सकते हो खूबसूरत पेड़ पौधे का, देख सकते हो ये शिव मंदिर, ये है जतमई माता का मंदिर, और ये रहा भाई वाटरफॉल। तो अभी दोस्तों हम लोग जो है वो जतमई माता मंदिर का जो है वो दर्शन करके आ चुके हैं, और वाटरफॉल वगैरह भी घूम ले यार, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, फैमिली के साथ यहाँ भी आप आ सकते हो, नहा सकते हो। नहाने का अगर बोलोगे तो इससे अच्छा जो है वो घटारानी मंदिर का है जो वाटरफॉल है वो, लेकिन आप यहाँ भी नहा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लगा यार, बट यहाँ भी आप फैमिली के साथ आ सकते हो, मस्त फुल डे फैमिली मस्त फुल डे जो है वो फैमिली पिकनिक डेस्टिनेशन है। तो बस यार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय माता जतमई।